देखिए आप माशाल्लाह बहुत आउट क्लास जोड़ा है और ये ट्रिपल क्वाड्रेट में। जी हाँ, इनको जन्म देते हुए इनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। अच्छा, तो ये आपने फीमेल बताई और इसकी एज क्या होगी अंदाजन? ये तकरीबन है 8 मंथ की है भाई। ये प्योर फार्मी चकोर है। फार्मी? हाँ यार, ये पुडल और शिट्ज़ू की ब्रीड है भाई। ये जो थे, ये जो दो बच्चे आपको दिखाए, ये इन बच्चों की माँ है। प्योर मस्कती जो है वो 25,000 रुपये का है। 25,000 रुपये? जी हाँ भाई। ये माल्टीज कहलाती है। माल्टीज? जी हाँ। कि मैं 12,000 रुपये मांग रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद सुफियान और आप देख रहे हैं शाहिद टीवी। व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो जनाब, बड़ी डिमांडें आ रही थी कि भाई कैट्स की वीडियो बनाई जाए और कुछ जो है डॉग्स वगैरह भी हमें शो कराया जाए। तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए एक दफ़ा फिर से हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं सदर इम्प्रेस मार्केट में। ठीक है, ये भाई की शॉप है और भाई के पास यहाँ पे जो है स्पेशली कैट्स वगैरह और उनके किटन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, और डॉगी वगैरह भी इनके पास यहाँ पे होते हैं, उनके पप्पीज़ वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। इनके अलावा इनके पास कुछ बर्ड भी मौजूद है। इंशाल्लाह तमाम ब्रीडें जो हैं आपको शो कराएंगे और उनकी प्राइस क्या चल रही है उस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। तो आइए, यहाँ के जो ओनर है इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब भाई, कैसे हैं? शुक्र है मालिक, आप सुनाए कैसे हैं? समी भाई जी, समी भाई तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। ठीक है, कौन सी ब्रीड है ये भाई? ये माल्टीज कहलाती है। माल्टीज? जी हाँ। ठीक है, बेसिकली ये कहाँ लोकल ब्रीड है या कहीं बाहर की? नहीं नहीं, ये बाहर की ब्रीड है। ये इस्लामाबाद से मैंने पियर मंगवाया है पूरा। अच्छा, ये मेल है, इसकी फीमेल भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले आप इसके बारे में बताएं कि फीड में क्या दे रहे हो आप, और स्पेशली ये फीड कौन सा अच्छा होता है जिससे ये मतलब तंदुरुस्त रहे और बीमार वगैरह ना हो? शायद भाई ये बॉयल चिकन बहुत शौक से खाता है और उसको आप डॉग फूड भी खिला सकते हो। अच्छा। लेकिन बॉयल चिकन इसलिए सिर्फ 3 महीने मतलब एक खुराक पे रहते हैं। अच्छा, कोई भी कुत्ता हो सिर्फ 3 महीने एक खुराक पे रहता है, 3 महीने बाद उनकी खुराक ऑटोमेटिकली चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ये स्मॉल नस्ल है, थोड़ी केयर मांगती है। हाँ। गर्मी से बचाना पड़ता है इसको, बाकी ये ठंडे इलाके में तो बहुत आसानी से रह सकती है। इसी में रहने वाली चीज़ है ये इस्लामाबाद से मैंने यहाँ पे मंगवाया है। इसका पूरा पियर है और माल्टीज नसल मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है कराची के अंदर इक्का दुक्का के अलावा। वैक्सीनेशन के बारे में अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि यार वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई, तो कुछ लोग तो इनके बारे में जानते नहीं, ज़रा कुछ इसके बारे में बताएं कि वैक्सीन किस टाइम कब और किधर लगती है? यार वैक्सीन जो है ना इसकी 3 महीने बाद, बच्चे के 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो माँ बाप की जो वैक्सीन लगी होती है वो चलती है। 3 महीने बाद इनको अपनी वैक्सीन करानी पड़ती है, दांतों की, बालों की, और अंदर जो डिवॉर्मिंग होता है मतलब कीड़े वेड़े ना पड़े अंदर, तो उसकी जो है वैक्सीन होती है। 3 महीने के बाद इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका जो दिल चाहे 6 महीने की करा लो या फिर आप 3 महीने की करा लो या 1 साल की करा लो। अच्छा, वो आप पे डिपेंड करता है। नीचे छोड़ के दिखाएं, आओ पांडा, ताकि लोगों को पता लगेगा ना कि भाई कोई बीमार वगैरह नहीं है। माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव पीस है और बालों से जो है ना बिल्कुल भरा हुआ, क्यूटनेस भी बिल्कुल जो है ओवरलोड है। तो इसके बाद जो है हम आपको इसकी जो मादी है मतलब फीमेल है वो दिखाते हैं, उसके बाद आपको इसकी प्राइस भी बताते हैं। जी वैसे तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी फीमेल भी आ चुकी है यहाँ पे, सेम उसी तरह क्यूट है, लेकिन साइज़ थोड़ा सा जो है इसका छोटा है बनिस्बत है उसके। तो क्या एज में छोटी है इससे? नहीं देखो, मेल के बराबर फीमेल अक्सर छोटी आती है। अच्छा, अगर फीमेल बड़ी हो गई ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा जोड़े में। अच्छा, और माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा हुआ जोड़ा है। अच्छा। और बिल्कुल बड़ा ब्रीड के लिए तैयार है, फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए, फर्स्ट ब्रीड के लिए तैयार है बिल्कुल। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप बताएं कि जोड़े की आप क्या डिमांड करेंगे? यार ये जोड़ा तो मैं वैसे बेसिकली इसके 60,000 रुपये मांग रहा हूँ। आपके रेफरेंस से कोई आता है तो इंशाल्लाह मुनासिब कीमतों में दे देंगे, जितना भी हो सकेगा। हाँ, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। चले कुछ एक दो ब्रीडें शो कराएं ज़रा डॉग्स की। जी समी भाई, ये कौन सी ब्रीड है? यार ये पुडल और शिट्ज़ू की ब्रीड है। जी हाँ, हाइट इसकी पुडल जितनी है, फेस बाल वगैरह वो शिट्ज़ू की तरह है। शिट्ज़ू की तरह? जी हाँ। तो ये बड़े हाइट में शिट्ज़ू निकला है। ये मेल है ना? ये मेल है। उसकी एज क्या होगी अंदाजन? ये तकरीबन अभी 1.5 ईयर है। अच्छा, 1.5 साल है तकरीबन। जी ठीक है, तो डिमांड क्या रखी है आपने इसकी? इसकी हमने रखी है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जो कि किसी के लिए जो है ना आप कम बेशी भी कर देंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। चले ठीक, और डॉग्स हैं आपके पास? डॉग्स मेरे पास और कई वैराइटीज़ मिलेगी, जर्मन शेपर्ड, साइबेरियन हस्की, जो यहाँ पर हम नहीं रख सकते। अच्छा, यहाँ पर वो ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए हमने घर में जो एक जगह बनाई हुई है वहाँ पर रखते हैं। जब भी हमें कोई ग्राहक ऑर्डर करता है, टोकन पकड़ा देता है, तो उसके लिए हम बच्चा या बड़ा वो जो भी मांगते हैं उसके लिए हम अरेंज करके अरेंज करवा देते हैं। चलिए फिर कुछ केट्स के ज़रा बच्चे दिखा दें या केट्स दिखा दें।
अच्छा सर, तो आपको जो है दो बहुत ही प्यारी किटन नज़र आ रही होगी। अच्छा तो समीर भाई, ये कौन सी ब्रीड है भाई? ये प्योर पर्शियन ट्रिपल कॉटेड में है। अच्छा, इसमें अच्छा, आंखें डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल अजीब सी है। ये ब्लू आइज है, प्योर ब्लू आइज इसे कहते हैं। अच्छा, ये आसमानी कलर की इसकी आंखें होती है। प्योर जो कलर होता है वो ये होता है, जो आम नज़र आती है वो तो मैं कहता हूँ नहीं है ब्लू आइज। ज़रा साथ रखें एक साथ ही यूँ करके। हाँ ये देखिए आप, ये जो चेहरा बेसिकली इतना क्यूट लग रहा है ना, ये एक्सट्रीम पंच में और ये जो है ये सियामी पंच में। और ये दोनों मेल फीमेल है? मेल फीमेल। ठीक है, तो जोड़े की इसकी क्या डिमांड करेंगे आप? ये जोड़ा अब मांग रहे 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जी, कम बेची कर देंगे आप बाद में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत प्यारा जोड़ा है ये, देखिए आप माशाल्लाह बहुत आउट क्लास जोड़ा है। और ये ट्रिपल कॉटेड में प्योर। इसकी वैक्सीन की क्या वो है? अभी तो ये 2 मंथ्स के इसके माँ बाप की जो वैक्सीन होती है वो चल रही है, और ये जब 3 मंथ्स के हो जाएंगे तब इनको आपने वैक्सीन वगैरह करवानी होगी। ठीक है, ठीक वैसे जैसे डॉग्स की मैंने बताई है वैसे भी इनकी वैक्सीन होती है। चले कुछ और वराइटीज दिखाएं जरा किड्स की। जी समीर भाई, ये भी पर्शियन है भाई? ये पर्शियन एक आती है पर्शियन 3 कोटेड। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग कोटेड है। एक्स्ट्रा लॉन्ग कोटेड जी हाँ, लेकिन ये सियामी पंच है, ये आम बिल्लियों से इसके बाल ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, और मतलब घने होते हैं? बहुत घने होते हैं। ये फीमेल है, बहुत ज़बरदस्त फीमेल है। जरा फेस दिखाइएगा कैमरे में यूँ करके, तो ये आप इसकी आइस वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये आपने फीमेल बताई, और इसकी एज क्या होगी अंदाजन? ये तकरीबन है 8 मंथ की है। 8 मंथ की, तो मतलब ब्रीड वगैरह तो नहीं की होगी ना अभी तक इसने? नहीं नहीं, फिलहाल इसने ब्रीड नहीं करी है, लेकिन तैयार है ब्रीड के लिए। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? ये इसके मैं मांग रहा हूँ 8,000 रुपये। अच्छा, बेसिकली आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो इंशाल्लाह कमो बेशी कर देंगे इंशाल्लाह। जी समीर भाई, ये कौन सी ब्रीड है भाई? ये नायाब नस्ल है शायद भाई, ये रैगडॉल ब्रीड में कहलाती है। रैगडॉल का डिफरेंट कलर में आती है, ये वाइट और ब्राउन कलर सा इसमें हल्का सा शेड आता है। अच्छा, ये रैगडॉल नस्ल कहलाती है, ब्लू आइस में। ये यहाँ की लोकल ब्रीड है? यहाँ की ये लोकल ब्रीड है, मतलब दो अलग अलग नस्लों की बिल्लियों का क्रॉस होकर रैगडॉल नस्ल तैयार हुई है। ठीक है, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं बेसिकली? इसके मैं 12,000 रुपये मांग रहा हूँ। अच्छा, कोई आपके रेफरेंस से आएगा तो इंशाल्लाह मुनासिब। मेल है फीमेल? ये फीमेल है। फीमेल है, चले छोटे वाटी दिखाएं ज़रा। अच्छा सर, तो यहाँ पे जो है हमें एक और क्यूट सी जो है ना बिल्ली नज़र आ रही है, आप भी देख सकते हैं। अच्छा, तो समीर भाई इसके बारे में बताएं ज़रा भाई। ये 2 कोटेड में एक बच्चा है, ब्राउन ग्रीड। कौन सी है ये? ये पर्शियन 2 कोटेड है। अच्छा, पर्शियन 2 कोटेड जी। ठीक है, तो क्या है ये मेल है फीमेल है? ये भी फीमेल है। फीमेल है, ठीक है। और डिमांड क्या रखी आपने इसकी? इसके 6,000 रुपये। 6,000। इसकी एज क्या है वैसे? ये तकरीबन अभी 3 मंथ्स की है। 3 मंथ्स की है जी। ठीक है, ये बहुत आउट क्लास बच्चा है भाई। ये है जिस बंदे से हमने लिया था उसने थोड़ा सा इसको खिलाया पिलाया ठीक नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे पास आई है इसका थोड़ा सा नज़र आया है रंग रोगन कि क्या चेहरा है इसका। अच्छा फिर, तो यहाँ पे जो है हमें कुछ खरगोश उनके बच्चे भी नज़र आए हैं। ठीक है, तो आइए इस बारे में भी आपको बताते हैं। जी समीर भाई, भाई ये जो थे, ये जो 2 बच्चे आपको दिखाए, ये इन बच्चों की माँ है। अच्छा, और मैं आपको और बच्चे दिखाने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे मुन्ने से बच्चे, इनको इनकी एजेस क्या है इस वक्त? ये तकरीबन 3-4 दिन के। 3-4 दिन के? जी हाँ, इनको जन्म देते हुए इनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। अच्छा, तो वो जो बड़े बच्चे थे वो खुद से फीड करना शुरू हो गए थे। अच्छा, तो हमने कहा था कि अब ये बच्चे जो है ना इनको फीड करेंगे, इनके नीचे रख दिया। अब ये इनको फीड करा रही है, इनको भी ये बड़ा करेगी। अच्छा, तो इसकी माँ तो बहुत बेदर्दी से चली गई थी दुनिया से। अभी जिस तरह आपने हाथ में लिया है इससे कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। ये तो नहीं, मैं मसला कोई हो तो फिर कोई नहीं नहीं, ये नॉर्मल से बच्चे, छोटे से मासूम से बच्चे, मतलब थोड़ा साइज में जो है ना, मतलब बिल्कुल वो हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं कि हाँ यार बस अब सही है, अभी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन जब 30 दिन के हो जाते हैं, अच्छा, जब इनके बाल वाल आ जाते हैं, ये असल में अंगूरा खरगोश है। अंगूरा अगर आपने देखे वो बड़े बाल वाले आते हैं। हाँ, इसके देखो ये, हालांकि 2 से 3 दिन के बच्चे, इसके बाल वाइट आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो है अंगूरा खरगोश के बच्चे, तो इनकी माँ अभी तो आप इसको सेल नहीं करोगे ना, जाहिर सी बात है, अभी कैसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जब 1 महीने के हो जाएंगे तो बच्चे किस हिसाब से देंगे और बड़ा पियर किस हिसाब से देंगे? ये जो है ये अलग नस्ल का खरगोश है, ये 2,000 रुपये का पियर है। हाँ, और ये जो है ये 8,000 रुपये का बच्चों का पियर है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये अंगूरा खरगोश है, बड़े बालों वाला। बड़े बालों वाला, ठीक, समझ गया, ठीक हो गया। अच्छा फिर, तो कुछ चकोरों की जो है भी क्वालिटी भी इनके पास पड़ी गई यहाँ पे, तो इस बारे में भी बात करते हैं। समीर भाई पहले इसके बारे में बताएं, कौन सी ब्रीड है ये भाई? ये प्योर फार्मी चकोर है। फार्मी? हाँ, इसकी एज क्या है? नस्ल के होते हैं ये, अभी तकरीबन 4 महीने का बच्चा है।
चार महीने का, ये अभी अपने फुल साइज में नहीं है। ठीक है, और डिमांड क्या रखी आपने इसकी? इसके मैं मांग रहा हूँ 15,000 रुपये। 15,000? जी हाँ। चलिए ठीक है। साथ वाला ये कौन सा है? ये जो है ये मस्कती फर्स्ट क्रॉस में। फर्स्ट क्रॉस में? हाँ जी, ये मस्कती प्योर है। और ये जो दूसरा वाला आपने दिखाया है ये मस्कती फर्स्ट क्रॉस में। अच्छा, तो ये जो आप ये कह रहे हैं जो फर्स्ट क्रॉस में, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये 12,000 रुपये का है। ठीक है, और जो प्योर है वो? प्योर मस्कती जो है वो 25,000 रुपये का है। 25,000 रुपये? जी हाँ। चलिए ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी समी भाई की शॉप जो हमने विजिट की, और आप तक इनके पास जो यहाँ पे वीडियो वगैरह रखी हुई थी डॉग्स की, कैट्स की, चकोरों की, ठीक है, वो आप तक पहुँचाई। तो बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जिस भाई ने भी परचेजिंग करनी हो वो यहाँ के कर सकते हैं। नंबर बताया ज़रा अपना। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03112060427। ठीक है, और लोकेशन जो है इनकी सदर इम्प्रेस मार्केट है। और बाकी इनका अपना भी चैनल है, किस नाम से है? शायद भाई मेरा यूट्यूब चैनल जो है समी SK147 के नाम से। ये रिक्वेस्ट मैं दिल से करता हूँ आपके तमाम व्यूवर्स को कि जितने आपके वीडियोस देखने वाले, जितने आपके चाहने वाले, सिर्फ आके विजिट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगे तो सब्सक्राइब नहीं करें, अगर अच्छी लगे तो फिर आप मेरी वीडियो जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दफ़ा लाजमी विजिट करें। हाँ, ये गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाएँ के चैनल पर जरूर जो है ना विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे समी भाई को और मेरे कैमरा मैन नजीब भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।